एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स या एम्फीबियन यूजली फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों से टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या इंडिया या इंडियन नेवी को कोई भी इन एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स की लैंड और वाटर दोनों पर ऑपरेट कर सकने की कैपेबिलिटी इसको वर्सेटाइल बनाती है और इसके साथ ही इसके कई एडवांटेजेस भी हैं, पर ये एयरक्राफ्ट काफी हैवी, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। दरअसल इन एयरक्राफ्ट में रिट्रैक्टेबल व्हील्स मौजूद होते हैं जो इसे लैंड और वाटर दोनों सरफेस पर ऑपरेट करने में सक्षम बनाते हैं। लार्जर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स आल्सो रिक्वायर विंग टिप फ्लोट टैंक्स फॉर सपोर्ट व्हेन स्टेशनरी, और इसके कारण एयरक्राफ्ट का वेट और एरोडायनामिक ड्रैग इंक्रीज होता है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट शेप्स एंड सिस्टम्स मेक देम हैवियर, मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट एंड स्लोअर इन फ्लाइट ड्यू टू इंक्रीज्ड ड्रैग, और इन्हीं कारण से एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना काफी एक्सपेंसिव होता है। इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद और हेलीकॉप्टर्स के कंपैरिजन में ये एयरक्राफ्ट काफी फास्ट हैं, ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और इनकी रेंज भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट कुछ एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की रेंज किसी लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट के इक्विवेलेंट ही है। एंड दीज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कुड बी ग्रेटर फॉर ऑपरेटिंग ऑन रिमोट आइलैंड्स और ओवर लार्ज वाटर बॉडीज। इन एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्टेशन, एरियल फायर फाइटिंग, एयर सी सर्च एंड रेस्क्यू, मैरिटाइम पेट्रोल, सर्वेलेंस और कई सारे मैरिटाइम रोल्स के लिए यूज किया जा सकता है। और इन एडवांटेजेस को देखते हुए ही चाइना ने अपना एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG-600 मैन्युफैक्चर किया, जिसको कंसीडर किया जा रहा है एज लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2017 में हुई थी और फर्स्ट ओशन फ्लाइट जुलाई 2020 में हुई थी। सभी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन अचीव करने के बाद ये एयरक्राफ्ट मोस्ट प्रोबेबली 2023 में सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के बाद चाइना, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, न्यूजीलैंड और कुछ आशियान कंट्रीज को टारगेट करेगा टू मार्केट दी एयरक्राफ्ट। विद AG-600 बीजिंग कैन एक्सेस टू दी फारदेस्ट एटोल्स इन दी साउथ चाइना सी वेयर इट हैज ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स विद सेवरल नेशंस। अब अगर बात करें इंडिया की तो जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने और अप्रोक्सीमेट 7517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन लेंथ के कारण इंडिया को भी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अगर इंडिया के मेनलैंड को निगलेक्ट भी करें तो भी इन एयरक्राफ्ट को स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां से स्ट्रेट ऑफ मलैका बस 1100 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट को बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप जैसे स्मॉल फार फ्लंग आइलैंड्स में भी एक्सटेंसिवली यूज किया जा सकता है, जहां पर स्मॉल या कोई भी रनवे मौजूद ना हो। इन एयरक्राफ्ट को मिलिट्री के अलावा सिविलियन पर्पस जैसे फायर फाइटिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। इंडियन नेवी ने 2011 में एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को परचेज करने की इच्छा जाहिर की थी और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बेरीव BE-200 और जैपनीज शिनमेवा US-2 सूटेबल एम्फीबियस एयरक्राफ्ट थे, पर यह डील कभी क्लोज हो ही नहीं पाई। हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।